नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरसीसी भी बार बार ट्रिप हो रहा है, क्या करें, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जनरली हम सभी के घरों में आरसीसी भी लगा होता है। जहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर में आरसीसी भी लगवा लें, इससे ह्यूमन को बहुत ही सेफ्टी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आपने घर में अपने आरसीसी भी लगा रखा है या फिर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कोई आरसीसी भी लगा हुआ है, तो अगर आरसीसीबी को आपने ऑन किया तो ये बार बार ट्रिप हो रहा है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जो कि अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आरसीसीबी कितने मिलियम्पेयर का हमको यूज में लेना चाहिए, कितनी मिलियम तक ये आते हैं, और आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में आपको आरसीसीबी जो है वो 30 मिलियम्पेयर का मिलेगा, ठीक है, 300 मिलियम्पेयर का मिलेगा आपको, और 100 मिलियम्पेयर का आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो MNC कंपनियां होती हैं वो 30 मिलियम्पेयर को ही प्रेफर करती हैं, जो कि 30 मिलियम्पेयर बहुत ही सेफ माना गया है। और 30 मिलियम्पेयर ऐसा होता है कि जस्ट आपको फील होगा कि मुझे करंट लगा है, उससे पहले ये ट्रिप हो जाएगा। जो 300 मिलियम्पेयर होता है यह बहुत ज़्यादा इसका करंट होता है, और जो 100 मिलियम्पेयर होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो सबसे सेफ जोन में होता है वो 30 मिलियम्पेयर का होता है, और 30 मिलियम्पेयर ही आप अपने घर में लगवाएं, मैं यही रिकमेंड करूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो आपको आगे का जो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर आप इसका वर्किंग नहीं समझेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करना होगा। तो दोस्तों आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि यह रेजिड्यूअल करंट को सेंस करता है, फिर उसके बाद अब नॉर्मल कंडीशन में आरसीसीबी को ट्रिप करता है। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब दोस्तों देखिए, आप इस फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आरसीसीबी क्यों ट्रिप होता है। देखिए ये एक फेस है और ये न्यूट्रल है। अब आपका जो आरसीसीबी है ये आपका आरसीसीबी है सिंगल पोल का, यानी कि डबल पोल का है, और ये आपका 3 फेस का है, और जो एक सिंगल फेस का भी आता है। देखिए आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि यहाँ से फेस चलेगा और लोड के बाद में ये न्यूट्रल के रास्ते आएगा। तो अब यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए अगर फेस के रास्ते यानी कि फेस से होकर के अगर 1 एम्पियर अगर करंट चल रहा है यहाँ पर, यानी कि फेस से आपने 1 एम्पियर दिया और न्यूट्रल के रास्ते 1 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है 1 एम्पियर आना चाहिए। अब अगर किसी कारणवश यहाँ पर कोई भी लीकेज हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा कि लीकेज के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी लीकेज हो रहा है, अगर यहाँ पर 1 एम्पियर ना मिल करके अगर इसमें 30 मिली एम्पियर अगर इसमें लीकेज होगा, तो यह आरसीसीबी जो होगा, जो आपने अपना आरसीसीबी लगा रखा है, यह इसको अब नॉर्मल मानेगा और तुरंत सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक है ये आप समझ गए। फेस से अगर 1 एम्पियर करंट चल रहा है, लोड के रास्ते से 1 एम्पियर वापस रिटर्न आना चाहिए, यानी कुल मिला के एक क्लोज लूप इसका बनना चाहिए कि यहाँ से हमने फेस से 1 एम्पियर दिया और आउटपुट में यानी कि न्यूट्रल के रास्ते हमको 1 एम्पियर मिलना चाहिए। अगर 1 एम्पियर ना मिल करके 30 मिली एम्पियर अगर ड्रॉप हो रहा है तो यह इस कंडीशन को अब नॉर्मल मानेगा और तुरंत आरसीसीबी को ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ तो गए होंगे कि आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए अभी रिसेंटली मैं कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पर एक वाल फैन लगा हुआ था जो कि बार बार ट्रिप हो रहा था। तो मैंने जब उसको चेक किया तो उसमें मुझे मिला क्या कि जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है कैपेसिटर है, उसका वायर, उसका जो इंसुलेशन है, जो उस वायर का इंसुलेशन है वह कट गया था, और उसका जो फेस वाला वायर है वो उसकी बॉडी के साथ में टच हो रहा था। तो जैसे ही मैं आरसीसीबी को ऑन कर रहा था तुरंत आरसीसीबी ट्रिप हो जा रहा था, बल्कि जो इसके पीछे हमने एक सेफ्टी और ले रखा था MCB का वो भी ट्रिप हो जा रहा था। तो फिर जब उसको चेक किया तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि ये वायर जो है ये कटा हुआ था, जो कि पंखे के बाइंडिंग उसके बॉडी के साथ में टच हो रहा था, उसके वजह से आरसीसीबी ट्रिप हो रहा था। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर
लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट होगा तो तुरंत आरसीसीबी इस चीज़ को सेंस कर लेगा और तुरंत आरसीसीबी को बंद कर देगा। तो यहाँ पर हमको क्या प्रॉब्लम मिला कि यहाँ पर लीकेज है। इसी प्रकार से अगर आप कूलर का ऑप्शन ले लें, कूलर का एग्जांपल ले लें कि आपके घर में कूलर लगा हुआ है और आपने आरसीसीबी लगा रखा है, तो क्या होता है कि कूलर में एक एग्जॉस्ट फैन होता है या फिर किट फैन होता है और एक पंप होता है जो पानी का पंप होता है। अब अगर आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है, बाकी सारे आपके इक्विपमेंट चल रहे हैं, स्मूथली पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप कूलर को ऑन करते हैं तो कूलर बंद हो जा रहा है, यानी आरसीसीबी ट्रिप हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो केबल है, जो उसका वायरिंग है, वो कहीं से कटा तो नहीं है, या फिर उसका जो फेस वाला वायर है या फिर न्यूट्रल वाला वायर है वो कहीं से निकला तो नहीं है जो कि बॉडी में टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये लीकेज करंट हो रहा है। क्योंकि अगर 30 मिली एम्पियर भी इसको रिटर्निंग में नहीं मिलेगा, न्यूट्रल के रास्ते अगर इसको नहीं मिलेगा, तुरंत आरसीसीबी इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला रीजन। अब बात कर लेते हैं दूसरा रीजन की। देखिए आरसीसीबी में क्या होता है कि न्यूट्रल का जो पॉइंट होता है वो अलग से इंडिकेट होता है। आप कभी भी आरसीसीबी लेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो अलग ही उसमें लिखा होता है, एन लिखा होता है इस प्रकार से। तो अब आपने अगर क्या किया कि न्यूट्रल की जगह पर अगर आपने फेस लगा दिया और यहाँ पर आपने न्यूट्रल लगा दिया, तो इस कंडीशन में भी आरसीसीबी आपका ट्रिप होगा। इसमें क्या होगा, रॉन्ग वायरिंग आपको माना जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी जब आरसीसीबी के कनेक्शन करें तो न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल और फेस की जगह पर फेस होना चाहिए। अब तीसरा नंबर दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने आरसीसीबी से फेस तो ले लिया, लेकिन जो न्यूट्रल है आपने न्यूट्रल आरसीसीबी से ना लेकर के कहीं और से उठा लिया, ठीक है, आपने एमसीबी से उठा लिया या फिर डायरेक्ट मीटर से उठा लिया, तो ये भी एक रीजन होता है कि अगर आप आरसीसीबी से फेस ले रहे हैं तो न्यूट्रल भी आपको वहीं से ही लेना है, कहीं अदर जगह से नहीं लेना है, तो इसका एक रीज़न ये भी होता है। तो मैंने तीन रीज़न आपको बताए हैं। अगर तीनों रीज़न अगर आप चेक करते हैं तो आपका आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा और स्मूथली चलता रहेगा। बता देता हूँ कि जो भी आपके इक्विपमेंट हैं, पंखा है, लाइट है, कूलर है, इनको अर्थिंग करके ज़रूर रखें। इससे क्या होता है, डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, आरसीसीबी का तो मिलता ही है, साथ में अर्थिंग का भी आप प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो शॉक लगने के चांसेस बहुत कम ही हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आएगी। समझ में आए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए।